फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज मैं मटर गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने मटर को पहले से छील ली हूँ, आप लोग देख सकते हो, और आलू को भी काट ली, गोभी को भी, और अच्छे से धो के मैंने एक बर्तन में निकाल ली हूँ। टमाटर को भी काट ली हूँ पहले से, प्याज को भी, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोग देख सकते हो। और मैं कढ़ाई को पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी, तो अब इसमें डालती हूँ ऑयल। ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल का सब्ज़ी पसंद नहीं है हमारे घर में। आप इसमें डालूँगी जीरा, इधर इस कढ़ाई में रखे हैं मतलब मुनगा भाजी और चना और बास्ता, सूखा वाला बास्ता, तो इसमें वो सब्जी बन रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी मिर्च, हरी मिर्च, साथ में डालूंगी प्याज, प्याज को मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूंगी। इसके बाद डालेंगे सब्जी को, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। आलू और मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी पेस्ट, पेस्ट को अच्छे से भूनना है। इसके बाद डालेंगे सब्जी को, प्याज हमारा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे सब्जी, हम तीनों को साथ में एक ही साथ डाल देते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, धीमी आंच में पकने देंगे इसको। तो 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, साथ में डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, इसमें डाल दूँ हल्दी पाउडर, अब डाल दिए मिर्च पाउडर और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला डाल दूंगी। इसको
अच्छे से भून लेंगे। इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पहले से पानी डाल ली थी पकने के लिए। आप लोग देख सकते हो सब्जी हमारा पक चुका है और कितना सुंदर भी लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये वाला सब्जी भी बन चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो सब्जी हमारा बन चुका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।